मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर 9, लेसन 9, इट्स पेज नंबर 48, स्वामी विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता. द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद. लेट्स स्टार्ट. स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न इन कैलकटा ऑन 12th January इन 1863 on Makar Sankranti in a traditional Bengali caste family. Swami Vivekanand ka janam hua tha Kolkata mein 12 January 1863 ko Makar Sankranti wale din. Ek Bengali caste family jo thi usme. The birth name of Swami Vivekanand was Narendranath Dutt. Unka jo janam ka naam tha wo tha Narendranath Dutt. आल्सो कॉल्ड एज नरेंद्र और नरेन. उनको नरेंद्र भी कहा जाता था और नरेन के नाम से भी पुकारा जाता था बचपन में. ही वॉज वन ऑफ द 9 सिबलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स. फादर विश्वनाथ दत्त एन अटॉर्नी इन कलकत्ता हाई कोर्ट एंड मदर भुवनेश्वरी देवी. उनके फादर विश्वनाथ दत्त जो एक कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे और उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी. उनके घर में 9 बच्चे थे, उसमें से ये स्वामी विवेकानंद भी एक थे. ही वॉज डेवलप इन टू द मोस्ट अफेक्टिव पर्सनैलिटी अंडर द इन्वायरमेंट ऑफ रैशनल एटीट्यूड ऑफ हिज फादर एंड रिलीजियस टेम्परामेंट ऑफ हिज मदर. उनका विकास हुआ, उनका विकास हुआ किस में? मोस्ट अफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी जो वो बने, उसका जो वातावरण उन्हें मिला उनके फादर से, जो उनके फादर का रैशनल एटीट्यूड था, और उनकी मदर जो रिलीजियस थी यानी कि धार्मिक महिला थी, उनकी देखरेख में उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हुई या फिर उनका विकास हुआ. He was a spiritual person from his young age and used to meditate. वो बचपन से ही, अपनी छोटी उम्र से ही बहुत स्पिरिचुअल थे और मेडिटेट करते थे यानी ध्यान किया करते थे. He was inspired by the wandering ascetic and monks of his times. He was inspired means प्रभावित. वो प्रभावित थे जो उनके समय में घूमने वाले जो साधु संत हुआ करते थे उनसे, वो उसी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. ही वॉज वेरी नॉटी. वो बहुत शरारती भी थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही. एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ हिज फादर. और इतने शरारती थे कि अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं आ पाते थे. हिज मदर यूज़ टू से, उनकी मदर हमेशा कहा करती थी, आई प्रे टू शिवा फॉर अ सन एंड ही हैज़ सेंट मी वन ऑफ हिज घोस्ट. मैंने तो शिवा से, गॉड शिवा जो है, शिव जी जो हैं, उनसे मैंने एक बेटा मांगा था, मगर उन्होंने तो अपने भूतों में से एक भूत मुझे दे दिया. ही वॉज एनरोल्ड एट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटियन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन 1871 में उन्हें नाम लिखाया गया उनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए. व्हेन ही वाज 8 years old, जब वो 8 साल के थे. एंड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1879, और प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पढ़े 1879 में. ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन्स, आर्ट एंड लिटरेचर. बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे वो, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. उनके जो सब्जेक्ट थे सोशल साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन्स, आर्ट, लिटरेचर, इसमें वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे. ही स्टडीज वेस्टर्न लॉजिक, यूरोपियन हिस्ट्री, वेस्टर्न फिलॉसफी, संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड बंगाली लिटरेचर. इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या पढ़ा? वेस्टर्न लॉजिक भी पढ़ा, यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ी, वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ी, संस्कृत के स्क्रिप्चर्स भी पढ़े और बंगाली लिटरेचर भी पढ़ा. ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन इंटरेस्टेड इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स. बहुत धार्मिक पर्सन थे वो, जो इंटरेस्टेड थे हिंदी स्क्रिप्चर्स में, जैसे वेदास, रामायण, भगवद्गीता, महाभारत, उपनिषद, पुराण्स एक्सेट्रा, ये सब उन्हें बहुत अच्छे लगते थे.
ही वॉज ऑल्सो एक्टिव इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्सरसाइजेज में एंड अदर एक्टिविटीज़ में. पढ़ाई के साथ साथ इन सब एक्टिविटीज़ में भी उनका काफ़ी रुझान रहता था, बहुत इंटरेस्ट रहता था. नरेंद्र इज रियली अ जीनियस, विलियम हैस्टील सेड अबाउट हिम. विलियम हैस्टील ने उनके बारे में कहा था जब वो बच्चे थे उनको देखकर कि नरेंद्र इज रियली अ जीनियस. नरेंद्र बहुत ही सच में बहुत जीनियस है. ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में.